हेलो फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जीएसएससी की ओर से इंपॉर्टेंट नोटिस अपडेट आ गया। और ये जो अपडेट है वो झारखंड उत्पाद सेवाएं प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को लेकर के है, यानी कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल एग्जामिनेशन को लेकर के है। यहाँ पे देख सकते हैं आवश्यक सूचना और डेट भी देख सकते हैं, आज का है 25/3/2022 यानी 25 मार्च 2022 का है। तो देखते हैं क्या है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर झारखंड उत्पाद सेवाएं प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/2/2022 से दिनांक 26/3/2022 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो ये जो है 25 फरवरी से लेकर के आपका 26 मार्च तक आपको मध्य रात्रि तक ये फॉर्म फिलअप ऑनलाइन किया जाना है और अभी भी हो ही रहा है। तो यहाँ पे समय के विचारोपरांत ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की तिथि निर्धारित विस्तारित की जाती है। अब यहाँ पे डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि डेट को बढ़ा दिया गया। तो कब तक बढ़ाया गया इसको देखते हैं आगे में। तो यहाँ पर है आप लोगों को सारी चीज़ें दिख रही है। ऑनलाइन आवेदन की समाप्ति तिथि जो है वो 2 अप्रैल की मध्यरात्रि तक का है, यानी कि 2 अप्रैल तक इसको वो डेट बढ़ा दिया गया है। आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद में है आप लोग एग्जाम फी को जो है वो 5/4/2022 यानी कि 5 अप्रैल की मध्यरात्रि तक कर सकते हैं, यानी 5 अप्रैल तक में आप लोगों को एग्जाम फी परीक्षा शुल्क भर देना है। साथ साथ में फोटो हस्ताक्षर जो है वो आप लोगों को अपलोड कर जो करना है फोटो सिग्नेचर, वह 8 अप्रैल तक की करना है रात के 12 बजे तक। और साथ ही साथ में अगर उसमें कोई भी चीज़ आपको चेंजेस करना है ऑनलाइन में तो आप लोग जो है वो 9 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में सारी चीज़ों को कर सकते हैं। आपको जो है अपडेट अगर दोबारा से करना है, संशोधन करना है तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है कि ऑनलाइन जो डेट है वह बढ़ा दिया गया है और ये 2 अप्रैल तक का कर दिया गया है। तो यही इम्पोर्टेंट डेट है जो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में यही नया नोटिस है जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप के लिए बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हस्ताक्षर परीक्षा नियंत्रक करके है। तो यही नया और इम्पोर्टेंट नोटिस अपडेट आ गया है झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को लेकर के है। तो आप लोग सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे।